कर रहे हैं अपने सारे कपड़ों पे पैकिंग। अरे यार तो हम लोग कर रहे हैं वैष्णो देवी जाने की तैयारी, तो सबसे पहले हम अपने कपड़ों पे कर रहे हैं प्रेस और फिर हम करेंगे पैकिंग। इसलिए हमारा सारा रूम फैला हुआ है क्योंकि हमने सारा सामान सामने रखा हुआ ताकि हम कुछ भूल ना जाए। हम आपको भी बताएंगे सारे कुछ कि क्या क्या सामान ले जाना जरूरी है। स्टे ट्यून। तो हमारी जो पैकिंग है और कंप्लीट हो चुकी है और सारी भाभी ने करी है, तो इस बार अच्छे से समय से हो गई। ये हमने रखे हैं नए कपड़े रखे हैं ये भवन पे पहनने के लिए। वहाँ पर जब दर्शन करते हैं तो न्यू कपड़े पहनने होते हैं जो कभी ना पहने हो, तो वो रख लिए हैं हमने। सारे कपड़े नहीं होने चाहिए, अब आप समझ जाओगे बाहर की बात। और हमने जो है कुछ एक्स्ट्रा कपड़े अपने साथ रख लिए हैं क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा टी शर्ट्स वगैरह रख लिए क्योंकि वहाँ पे बारिश का सीज़न हो रहा है, तो चांसेस हैं कि हमारे कपड़े वपड़े गीले हो गए, तो हमारे पास होने चाहिए। ये देखो हमने सारे एक्स्ट्रा टी शर्ट्स नहीं सारी रख लिए हैं इनकेस हम और ये टी शर्ट्स वगैरह हमने चढ़ाई करने के लिए रखे हैं। कम्फर्टेबल लोअर रखी है हमने क्योंकि चढ़ाई जो है जीन्स वगैरह में नहीं करी जा सकती। कम्फर्टेबल कपड़े होने चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए और गर्म कपड़े भी होने चाहिए। इसलिए हमने कुछ वूलन्स अपने साथ रख लिए, जैसे ये शॉल है और ये स्वेटर वगैरह है अंदर, ये रहा ये स्वेटर वगैरह क्योंकि बारिश के कारण वहाँ पर थोड़ी सी ठंड है। हमने टेम्परेचर चेक किया था तो 19 था, तो मतलब वहाँ पर ठंडा है मौसम। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाना है। अगर आप आधार लेकर नहीं गए तो आपको वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। वहाँ रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट क्या कंपल्सरी है, ये एंट्री नक्को उसके बिना ले जाना। वहीं गर्ल्स को अपनी सेफ्टी के लिए सैनिटरी पैड्स रख लेने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपको नहीं किसी और को ही नीड पड़ जाए तो आपके पास होने चाहिए। वैसे तो जाना ही नहीं चाहिए ऐसे समय पे, पर फिर भी पर इनकेस ये हम लेडीज सभी फीमेल्स जानती हैं कि कोई भरोसा नहीं होता है। ये अभी चल रहा है लूडो का गेम हम लोगों के बीच, जिसमें मम्मी कर रही हैं चीटिंग और इसीलिए वो जीतने वाली हो रही हैं। भाभी की एक यार आगे बैठ गए आगे, मैं कह रही हूँ आप आई मुझे मार आ रही हूँ। ये सास बहू का जो इसमें है, सास चीटिंग कर रही है। अच्छा अभी हाँ, चीटिंग कर रही है। चली नहीं भाभी की वो कटवा भी दी वो वाली, मम्मी खुद ही सबकी चाल चल देती है। मम्मी चीटिंग करती है साफ। मेरी चांस है ये 5 भागो भैया, अब देखते हैं आज कौन जीतेगा। इस गेम को मैं जीत गई हूँ, झूठ। इस गेम को जीती है चीटर मम्मी। इस गेम को चीटर मम्मी जीती है। मम्मी कैसे लेती हूँ यार, चल लेते हैं सबके आगे। हाँ मम्मी चीटिंग कह रही थी। तुमने सुनो, तुमने पता है क्या कहा था भाभी, वो दो चल रही थी, तुमने दूसरी चल दी उनकी। हाँ तो वो उनकी कोठी थी ना। तुम दोनों जल रही हो, मैं बहुत दुख के साथ ये हो रहा है कि चीटर जीत गए हैं। उन्होंने चीटिंग करी वरना अच्छा सर दोबारा का मैं जाना। ठीक है चलो दोबारा खेलते हैं। तो इसी तरीके से फर्स्ट मैं रही, सेकंड भाभी, थर्ड मम्मी। क्या है मेरा नंबर, चलो कैसी निर्दयी माँ हो मम्मी। वैसे तुम एक माँ, मैं कोई माँ ना बेटी, एक माँ अपने बच्चों के छला दी, एक माँ अपने बच्चों के लिए पता है क्या क्या नहीं त्याग देती। तुम काटना नहीं त्याग सकते, अपने बच्चों को खा जाती हो यार। बेटी ने तो बड़ा जल्दी त्याग दिया मेरा। देखिए इसमें मेरे को कितनी बार खा चुकी है यार, अपने बच्चों को खाने वाली माँ बन रही हो तुम। हमें तो दुनिया ने कहा लूटा, हमें तो भाभी भी खा रही है यार। मैं भी खाऊंगा पर आपकी सबसे ज्यादा 6 आ रहे हैं, फिर भी और फिर भी सबसे पीछे है मेरी। आप आपको हम खा जाते हैं, फिर खुल के बैठ जाती हूँ तुरंत ही। ये तुरंत खोल लेती है तो अब नहीं मिलती। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। मम्मी जीत गई, भाभी सेकंड आ गई और मैं थर्ड। फोर्थ नहीं आई देखिए इस बात की, पीछे से फर्स्ट आई हूँ और भाभी सेकंड, भाभी आगे पीछे सबसे सेकंड है। भाभी खेल भी बीच में रही थी और गेम में भी बीच में आई है। तो अभी अभी हमने सब्जी वाले भैया को कॉल किया और पूछा भैया टमाटर की क्या रेट है,
बोलते हैं 350 रुपए किलो। अब हम लोगों के बीच डिस्कशन चल रहा है क्या किया जाए, टमाटर खाया जाए या नहीं खाया जाए। क्या बोलती हो मम्मी, टमाटर खाना चाहिए? क्या बताऊँ मैं, बिना टमाटर के सब्जी भी अच्छी। क्या करें, आप क्या कहती हो, टमाटर खाया जाए? खाया तो जाए, बस रेट कम हो जाए। ये लगी थोड़ी बात। खाना तो चाहिए पर रेट कम हो जाने चाहिए। क्या कोई बता सकता है टमाटर के इतने भाव क्यों बढ़ गए, इतना क्यों एटीट्यूड दिखा रहा है, क्या बीमारी हो गई है? क्या बीमारी हो गई है? टमाटर हुआ 350 रुपये किलो, मैं 350 रुपये, पहले 4 बर्गर आ जाते थे। हम आपको अपडेट रखेंगे टमाटर के भाव से, आपके टमाटर का भाव बढ़ता है। आपके उधर टमाटर का क्या भाव है बताएं जरा कमेंट सेक्शन में, जहाँ भी सस्ता होगा वहाँ लेने आ जाएंगे। बिहार में कितना? बिहार में हमारे एक हकीकत सब्सक्राइबर हैं, देखते हैं। तो ठहरिए, ताज़ा खबर क्या, बिहार में बता रहे हैं टमाटर सस्ते। क्यों सस्ते होंगे? चलो भेज दो, कितने रुपये का है बताना। 50 रुपये किलो, 50। इतना अत्याचार देखो, ये कैसे देखो चिढ़ा के देखो। ये गोलगप्पे खाए जा रहे हैं और एकादशी वाले दिन देख रहे इनके मुंह में पानी आ रहा है। मैं ये देखो दोनों तरफ से मेरे पीछे पड़े, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली शुगर पेशेंट है ना, इसलिए दिखाने में मजा आता है।